टू माई चैनल व्यूअर्स, आज हम आपको डिज़ाइनर सूट बनाना सिखाएंगे। व्यूअर्स, इसमें हम कमीज़ के ब्लैकेट और कॉलर पे हम पाइपिंग का डिज़ाइन देंगे, जो आपके लिए बनाना बहुत ही आसान होगा। और शलवार पे हम पेंट स्टाइल में पॉकेट अटैच करेंगे। तो हमेशा की तरह हमारी वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम इस जेंट सूट को खोलेंगे। इसकी लंबाई तकरीबन 4.25 गज है और इसका अर्ज भी काफ़ी बड़ा है। तो इसका अर्ज तकरीबन, ये डबल है तो हम इसके अर्ज का साइज़ लेंगे। तो इस तरह से ये डबल है तो हम इस तरह से इसका साइज़ लेंगे। तो ये तकरीबन 28 इंच है। तो अब हम सबसे पहले शलवार की लेंथ लेंगे और शलवार की कटिंग करेंगे। व्यूअर्स, हमारे शलवार की लेंथ 39 इंच है तो हम 44 इंच तक शलवार की लेंथ लेंगे, 2.5 इंच नेफे की टर्निंग के लिए और 2.5 इंच पौंचे की टर्निंग के लिए हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो इसलिए हम यहाँ 44 इंच पे इसको इस तरह से डबल करेंगे, इस तरह से। इस तरह से डबल करते हुए हम कपड़े को इस तरह से सेट करेंगे। व्यूज, हमने कपड़े को डबल कर लिया है। अब हम यहाँ से कपड़े को कट कर देंगे। व्यूज, क्योंकि कपड़े का घेर काफ़ी बड़ा है तो हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड में किया हुआ है। तो अब हम यहाँ से शलवार की चौड़ाई का साइज़ लेंगे। तो शलवार की चौड़ाई हम 23.5 इंच तक लेंगे। व्यूअर्स, अब हम यहां से नेफे को टर्न करेंगे इस तरह से और यहां से हम आसन का साइज़ लेंगे। तो हमारा आसन 16.5 इंच तैयार होगा तो हम यहां से 18 इंच तक लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। व्यूअर्स, यहां से हमने 23.5 इंच घेरे को इसलिए लिया कि यहां हम 1 इंच तक हम कुंदे और पल्ले की सिलाई को यहाँ पे मेंशन करेंगे और 1/2 इंच हमारा आसन की सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा शलवार का घेर तकरीबन 22 इंच तक रेडी रहेगा। अब हम यहाँ से पौंचे का साइज़ लेंगे। तो यहाँ से हम तकरीबन 11 इंच तक निशान लगाएंगे और यहाँ इस टर्निंग साइड से हम यहाँ पे इस तरह से निशान लगाते हुए इस तरह से ऊपर तक निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ से कट करेंगे। हम तकरीबन 7.5 इंच पे यहाँ पे कट लगाएंगे।
यहाँ पे हमने 7.5 इंच पे कट लगाया है। इसी तरह से हम ऊपर पल्ले की साइड पे यहाँ पे भी हम 7.5 इंच पे कट लगाएंगे। व्यूज़ अब हम इस कट की जगह पे यहाँ ऊपर और नीचे से कपड़े को इस तरह से टर्न करेंगे। हम यहाँ से इसको इस तरीके से सेट करेंगे। व्यूअर्स इसी तरह से हम सलवार की चारों साइडों को स्कर्ट से इस तरह से डबल करते हुए इस्त्री से सेट करेंगे। व्यूअर्स अब हम यहाँ 1/2 इंच के मार्जिन से कुंदे और पल्ले की सिलाई लगाएंगे। व्यूज हमने दोनों साइड्स में कुंदे और पल्ले की सिलाई लगा ली है। अब हम एक तह के ऊपर दूसरी तह को इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ पे दोनों साइड्स में हम आसन की सिलाई लगाएंगे। व्यूज यहाँ ऊपर से हम 1.5 इंच का गैप लेते हुए यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। व्यूअर्स अब हम कपड़े को यहाँ से टर्न करेंगे इस तरह से और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स अब हम यहाँ नेफे की टर्निंग करेंगे।
इस तरह से। व्यूज़ ये हमारी सलवार का नेफा रेडी हो चुका है। अब हम पांची की टर्निंग करेंगे। व्यूज़ हमने नेफे की सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। अब हमने सलवार की लेंथ 39 इंच लेने के बाद हमने पांचा पट्टी को इस तरह से कपड़े के अंदर चिपका लिया है और हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था इसको हमने अंदर की तरफ इस तरह से टर्न किया है। अब हम यहाँ सीधी साइड में ऊपर और नीचे डबल सिलाई लगाएंगे।
व्यूअर्स, इनर लेग की सिलाई को परफेक्ट शेप में लाने के लिए हमने 5A के साइज के हिसाब से एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ टर्न करके यहाँ पे इसको इस्त्री से इस तरह से सेट किया है। तो अब हम इसी शेप के ऊपर सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, अब हम यहाँ शलवार की राइट साइड में पल्ले की इस सिलाई में हम पेंट स्टाइल पॉकेट अटैच करेंगे। तो उसके लिए हम इसकी उल्टी साइड को इस तरह से सेट करेंगे, इस तरह से, और यहाँ से हम नेफे की इस सिलाई से नीचे हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से नीचे हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से इतने पार्ट की सिलाई को हम यहाँ से निकाल देंगे। व्यूज, हमने यहाँ से सिलाई को निकाल दिया है। अब हम यहाँ से इतने पार्ट को हम कैंची से कट कर देंगे। व्यूअर्स, हमने यहाँ से कपड़े को सेंटर से कट कर दिया है। अब हम यहाँ भी कट लगाएंगे। व्यूअर्स, हमने यहाँ पे इतने पार्ट को ओपन कर लिया है। तो अब हम पॉकेट बनाने के लिए यहाँ पे कपड़े को अटैच करेंगे। तो पॉकेट बनाने के लिए हमने कपड़े के डबल पीस को लिया है। एक पीस जिसकी लंबाई 11 इंच और चौड़ाई 8 इंच है, इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे, यहाँ पे इस तरह से। और दूसरा पीस जिसकी लंबाई हमने 2 इंच बड़ी ली है, तो इसको हम यहाँ पे ऊपर इस तरह से, इस तरह यहाँ से, यहाँ पे हम इसको सेट करेंगे इस तरह से। व्यूज़, अब हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे जिस पीस की लंबाई कम थी, इसको हम यहाँ पे इस साइड में अटैच करेंगे और फिर उल्टी साइड में हम इसको पलट के टर्न करेंगे। अब हम यहाँ दोनों साइड्स में कट लगाएंगे और कपड़े को अंदर की तरफ टर्न करेंगे। यहाँ पे जिप अटैच करेंगे।
व्यूअर्स, हमने जो कपड़ा अटैच किया था उसको हमने अंदर की तरफ टर्न करने के बाद यहाँ से हमने प्रेस कर लिया है। अब हम यहाँ पे जिप सेट करेंगे, तो जिप को हम इस तरह से अंदर की साइड में इस तरह से रखेंगे। और यहाँ पे अंदर की साइड में इसके कॉर्नर को यहाँ पे सेट करने के बाद हम यहाँ पे पिन लगाएंगे। और यहाँ दूसरे कॉर्नर पे भी हम पिन लगाएंगे। और अब हम यहाँ दोनों साइड में एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगाएंगे। और अब हम यहाँ दोनों साइड्स में एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगाएंगे। व्यूज़, हमने एक साइड में कपड़े को अटैच किया है और दूसरी साइड को हमने अभी इसी तरह से ही ऐसे ही फोल्ड किया है। तो अब हम इसको इन दोनों साइडों पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई सेंटर से स्टार्ट करेंगे। व्यूज़, हमने जिप को अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ अंदर की साइड में दूसरे पीस को अटैच करेंगे। व्यूज़, अब हम यहाँ दूसरे पीस को इसके ऊपर इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से इसको टर्न करते हुए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से लेके हम यहाँ तक किनारे पे अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। व्यूज़, ये हमने बड़े वाले पीस को छोटे वाले पीस के साथ अंदर की तरफ इस तरह से अटैच कर लिया है यहाँ पे दोनों साइड्स में इस तरह से। अब हम यहाँ भी इसको इस तरह से अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। दोनों पीस को यहाँ से यहाँ तक हम अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, अब हम पॉकेट को अंदर की तरफ टर्न करेंगे इस तरह से। अब यहां से हम इन दोनों किनारों को इस तरह से सिलाई करेंगे। अब यहां पे हम ऊपर सिलाई लगाएंगे। व्यूज़, अब हम पॉकेट को शलवार के कपड़े के साथ अटैच करने के लिए यहाँ पे पिन अप करेंगे।
और व्यूअर्स इस एक्स्ट्रा लेंथ वाले पीस को भी हम इस तरह से अंदर फोल्ड करते हुए यहाँ भी पिन अप करेंगे। व्यूअर्स हमने तमाम साइड्स में पिंस लगा ली हैं, अब हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। व्यूअर्स ये हमारी पैंट स्टाइल पॉकेट रेडी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं ये अंदर से इस तरह है और ये इसकी सीधी साइड है। हमारी पैंट स्टाइल पॉकेट रेडी हो चुकी है। व्यूअर्स हमने पॉकेट को अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है, तो अब हमारी ये शलवार की स्टिचिंग विद पैंट स्टाइल पॉकेट रेडी हो चुकी है। अब हम इस बाकी के कपड़े से डिज़ाइनर कमीज़ बनाएंगे और अपने सूट को मुकम्मल करेंगे।